और बात जल जीवन मिशन घोटाले की करते हैं। दरअसल बड़ी खबर इस घोटाले से जुड़ी है। ईडी का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। ईडी की कार्रवाई पर बोले पूर्व मंत्री महेश जोशी, साफ तौर पर उनका कहना है कि राजनीति से प्रेरित है ईडी की कार्रवाई। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी का मंगलवार का जो दिन था वो काफी भारी रहा था। महेश जोशी के घर पर ईडी ने मंगलवार को छापेमारी की थी। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान सामने आया। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में फिर राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जिन बातों को लेके पब्लिसिटी की जा रही है, ठीक है, बार बार जेजम की बात की जाती है, जलदाय विभाग की बात की जाती है, उनके हाथ में जलदाय विभाग, ठीक है वो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई जेजम में, सर कैम लुक, किस टेंडर में गड़बड़ी हुई, इन सारी बातों की जानकारी उनका विभाग है, उनके पास विभाग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन ईडी को भेजना, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक प्रतिशोध है। जेजेएम घोटाले की फांस, पूर्व मंत्री तक पहुंची आज। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 6 ठिकानों में सबूतों की तलाश। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की आज प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारी और 2 ठेकेदारों के ठिकाने भी शामिल हैं। अब महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उनके घर पर ईडी की टीमें पहुंची। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से पहले जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ईडी एसीबी या कोई भी जांच एजेंसीज की जांच कर ले, क्योंकि जो कामकाज होता है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन हर घर नल नहीं पहुंच पाया। पानी की पाइपलाइन कागजों में थी मगर जमीन में नहीं। जांच में कई जगह पर पानी की पूरी पाइपलाइन ही गायब मिली। लोहे की जगह प्लास्टिक के घटिया पाइप का इस्तेमाल हुआ। जयपुर के तुंगा और अमरसर में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सूत्रों के मुताबिक नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया था। जो कंप्यूटर से लगातार ईडी यहाँ के दस्तावेज चेक कर रही है और जो कितना घोटाला हुआ क्या है, क्या वो ईडी कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। 2 कंपनियों पर 1,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। 2 साल में 900 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर लिए गए। फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्क ऑर्डर लिए गए थे। घोटाले के लिए फर्जी ईमेल आईडी प्रमाण पत्र बनाए गए। 177 एमबी फाइलें जो जलदाय विभाग की बेहद गोपनीय फाइलें मानी जाती हैं, वो एमबी फाइलें ठेकेदार के कार्यालय पर मिली। वो फाइलें कैसे पहुंची, कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और किसके कहने पर ये पहुंची, जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल जो ठेकेदार हैं, इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो जलदाय विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे, उनकी मिली भगत के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है बताई जा रही है। मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार में हुए इस घोटाले को उजागर किया था। ईडी को भेजी गई शिकायत में कहा गया था कि जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ का मोटा मोटा खेल हुआ है। 48 प्रोजेक्ट में 30-40% ज्यादा टेंडर दिए गए। नियमानुसार 10% से ज्यादा टेंडर नहीं दिए जा सकते। जो भी फर्म ने चाहा वो किया गया, मंत्री की सहमति ली गई। केंद्र की स्वीकृति बिना ही पीएचईडी विभाग ने काम शुरू किया। प्रदेश में भजन सरकार बनते ही जेजेएम घोटाले की जांच तेज हो गई और ईडी लगातार कार्रवाई कर सबूत इकट्ठा कर रही है। ईडी ने खुद मुकदमा दर्ज करके इनकी जांच शुरू की है। अब ईडी किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है, किस किस को दोषी ठहराती है और किस किस की गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी की कार्रवाई पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। किसके छापे पड़ रहा है, क्योंकि इनके तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है,
ये बड़े बड़े छापे डालते हैं, धमकी देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे ही किया इन्होंने, गुजरात में ऐसे ही किया, आपके मध्य प्रदेश में ऐसे ही किया। जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये करवाते हैं ये लोग अपनी पार्टी बीजेपी, और वॉशिंग मशीन लगी हुई बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। और इस बीच कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां पर कोहरे के चलते दो ट्रकों में टक्कर हो गई। ट्रक चालक केबिन में फंस गया, क्रेन की सहायता से केबिन से उसे बाहर निकाला गया। घायल चालक को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम भी लग गया है। तो देखिए, कोहरे की वजह से हादसों का लगातार होना जारी है। कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां पर कोहरे के चलते दो ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। आपको स्पॉट की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो आगे वाला हिस्सा है ट्रक का चकनाचूर हो गया है, और यहां पर एक लंबा चौड़ा इस एक्सीडेंट की वजह से जाम लग गया। ट्रक की जो टक्कर हुई उसमें केबिन में जो चालक था वो फंस गया। हालांकि उसे अब क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया है और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ब्यावर शहर के मसूदा रोड स्थित गड़ी थोरियान से चार दिन पहले लापता हुए युवक का शव देर रात कुएं से बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कुएं पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। शव को मोर्चे में रखवाया गया। मृतक की शॉल, जूते, आईडी कुएं के पास मिले हैं। पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दमकल की सहायता से शव को बाहर निकाला और जांच शुरू की। शंभू सिंह करके हैं, रावत हैं, गड़ी थोरियान के रहने वाले। इन्होंने आके बताया कि 12 तारीख को इनका एक भाई है श्रवण सिंह, वो घर से मिसिंग है और 12 तारीख के बाद से घर नहीं आया है। वो कल गड्डी थोरियान सुनसान जगह कुआ है, उस कुएं के पास कुछ आईडी मिली थी, जूते मिले थे और शॉल मिली थी। तो जब वो आईडी चेक की तो वो आईडी श्रवण सिंह की होना पाया गया था। तब उसने थाने पे सूचना दी थी। थाने से हम लोग मौके पे पहुँचे और वहाँ जाके देखा तो कुएं में पानी काफ़ी था। फिर हमने फायर ब्रिगेड जो कार्यालय है वहाँ से कर्मचारियों को बुलाया, तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मदद से रात्रि को लगभग 11 बजे के आसपास बॉडी को कुएं से निकलाया गया। जैसलमेर के रामदेवरा थाना पुलिस ने सोलर प्लांट में हुई चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई सोलर प्लेटें भी बरामद की गई हैं। आरोपी की पहचान पडियारा निवासी सुरेन सिंह के तौर पर हुई है। बता दें कि चोरों ने पिछले साल जुलाई में सोलर प्लांट से प्लेटें चोरी कर ली थी। और डिडवाना में शमशान भूमि हड़पने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस दौरान समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शमशान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से आवंटित भूमि को फर्जी तरीके से हड़पा गया है। डिडवाना के मेड़ सुणकार समाज की आवंटित भूमि पर साल 1983 में 10 फर्जी पट्टे बनाए गए, जिसकी कानूनी लड़ाई लड़कर मेड़ सुणकार समाज ने पट्टों को निरस्त करवाया था। साल 1983 में जारी फर्जी पट्टे साल 1986 में निरस्त कर दिए गए, लेकिन अब फिर से फर्जी पट्टे जारी कर दिए गए। समाज ने इन्हीं पट्टों को निरस्त करवाने और दोषी अधिकारियों और सरकारी भूमि को हड़पने का प्रयास करने वाले भू माफियाओं के कब्जे से हटवाकर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर महोदय श्री बाल मुकुंद जी असावासा पधारे हैं, उनको जो पिछली हमने जो ज्ञापन दिया था हमारे समाज के शमशान भूमि के अवैध कब्जे के निस्तारण के लिए, आज हमने पुनः सम्माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि हमने ये पिछले जो कलेक्टर साहब थे उनको ये ज्ञापन दिया था और उन्हें जांच के तुरंत आदेश दिए थे। आज उन्होंने जो नए कलेक्टर साहब आए हैं उन्होंने शमशान भूमि के जो अवैध पट्टे बने हैं दूसरों के खिलाफ दूसरों के लिए, तो उनकी जल्दी से जल्दी शीघ्रता से जांच होके और तुरंत प्रभाव से समाज का कार्य इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाएगा, यह आश्वासन आज हमें कलेक्टर साहब ने हमें समाज को। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां पर अतिक्रमण पर
कार्रवाई जो हुई अतिक्रमण की उसका विरोध हुआ है। विरोध में कोटा झालावाड़ हाईवे को जाम कर दिया गया। कल हुई कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पूरे रोड के दोनों तरफ यहां पर लोग इकट्ठा हो गए, उसे बंद कर दिया गया। पुलिस का भारी जाप्ता फिलहाल मौके पर मौजूद है। अभियान के तहत कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी और उसी का विरोध करने के लिए देखिए यहां पर ग्रामीण पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता भी आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर कोटा से है, अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है और कोटा झालावाड़ ये जो हाईवे है इसे जाम कर दिया गया है। कल हुई कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। पूरे रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। पुलिस जाब्ता फिलहाल मौके पर पहुंचा हुआ है ताकि किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, जो लोकलाइट्स हैं, वो यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। अतिक्रमण पर जो कार्रवाई हुई उसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। कोटा झालावाड़ हाईवे है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से इसे जाम कर दिया गया है। कल जो कार्रवाई वन विभाग की तरफ से हुई थी उसी के विरोध में ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पूरे रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया है, तो जाहिर तौर पर अब ये स्थिति हो सकती है कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा जाम भी लग सकता है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े इसको संभालने के लिए पूरा जाब्ता मौके पर मौजूद है। कल जो कार्रवाई हुई थी वन विभाग की तरफ से इसी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये हाईवे है और कोटा झालावाड़ हाईवे पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदर्शन, विरोध, अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई का दोनों तरफ से रोड को बंद कर दिया गया है। जाहिर तौर पर यहां पर जाम की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। ताजा तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चादर और फूल पेश किए गए। इस दौरान उनका भेजा हुआ संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें आपसी अमन चैन और भाईचारे को लेकर दुआ मांगी गई। बता दें कि चादर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी लेकर अजमेर पहुंचे। कांग्रेस प्रमुख के संदेश को लिखा था, जो लिखा गया है संदेश में वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि ये देश इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, देश में नफरत की आंधी चल रही है, ऐसे में सभी देशवासियों को एकजुट होकर इससे लड़ाई करने की जरूरत है। और अब बात अयोध्या की। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। सिरोही में 1990 में अयोध्या गए कार सेवकों को निमंत्रण के बाद सिरोही में हर घर दीपावली का माहौल बना हुआ है। शहर के राम झरोखा मंदिर के प्रतिदिन शाम को भगवान राम का कीर्तन करके लोगों में अलख जगा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने 1990 में अयोध्या गए कार सेवकों की जुबानी अयोध्या के मंदिर का हाल जाना। दीपावली का माहौल देखा जाए तो पूरे देश में बड़े धूमधाम से जो है भगवान रामलला के मंदिर उत्सव जो है मनाया जा रहा है, घर घर चावल बांटे जा रहे हैं। लेकिन उन आमंत्रण के बीच इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो दर्शकों को आज न्यूज 18 दिखाएगा। उन कार सेवकों की जुबानी जिन्होंने आज से 33 साल पहले जो है अपनी भूमिका इस राम मंदिर निर्माण में रखी थी। हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए, हम उनसे बात करेंगे। तो देश भर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह है और इस दौरान मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा के दौरान शहीद हुए अविनाश महेश्वरी के माता पिता को प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण मिला है। दंपति अजमेर से 18 जनवरी को रवाना होकर अयोध्या पहुंचेंगे। महेश्वरी जमात का कहना है कि उनके समाज के लिए गौरव का ही विषय है। दरअसल 31 साल पहले हुई कार सेवा में VHP के आह्वान पर देश भर के हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे, जहां अजमेर से भी 28 लोगों का एक दल रवाना हुआ था, जिनमें अविनाश महेश्वरी खुद बम फटने की वजह से शहीद हो गए। वहीं देश भर से जितने लोग प्राण प्रतिष्ठा में शहीद हुए हैं उनके माता पिता को महोत्सव का निमंत्रण मिला है। इस दौरान शहर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी वर्चुअली जुड़कर अविनाश महेश्वरी के बलिदान के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया।
बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल श्री गंगानगर में पिछले एक सप्ताह से घना कोहरा छाया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने भी घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे और शीतलहर से आमजन परेशान है, तो वहीं कृषि विभाग ने खेतों में खड़ी सरसों सहित सब्जी फलों की फसलों को पाला पड़ने की मार से बचने के लिए हल्की सिंचाई करने के साथ ही गंधक के घोल का छिड़काव करने की सलाह दी है। की सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला आज भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से देखा जा रहा है कि समूचा श्री गंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा भी आज श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसका अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के वकीलों वाली डिग्गी पर मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। पिछले 7 दिनों से यानी कि लगभग एक सप्ताह से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब लगातार श्री गंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। झुंझुनू जिले में सर्द हवाओं के कारण सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। जिले में आज घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव ले रहे हैं और हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोहरे के कारण किसानों ने राहत लेते हुए बताया कि कोहरे की वजह से शीतलहर से फसलों को नुकसान नहीं होगा। कोहरा दरअसल रबी की फसल के लिए फायदेमंद होगा। पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान जो था वो आज 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। की फसल के लिए मुफीद मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि बीते सप्ताह भर से चल रही शीतलहर से इस कोहरे की वजह से जो असर है वो कम होगा और सरसों की फसल को शीतलहर की वजह से नुकसान होने की संभावना कोहरे के कारण कम होगी। कोहरे की वजह से फसलों को भी फायदा होगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो ये तो आपने झुंझुनू का हाल देखा। वहीं कोटपुतली में फिर आज मौसम ने पलटा खाया है। पिछले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर कोहरे का असर देखने को मिला है। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से हाईवे पर वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी क्षेत्र में कुछ दिन सर्दी का असर भी देखने को मिलेगा। तो कोटपुतली में फिर से मौसम ने पलटी मारी। पिछले 4 दिन तक मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर कोहरे का असर देखने को मिला है। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से हाईवे पर वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी आने वाले दिनों में सर्दी सितम ढाएगी। तो कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है। आप देख सकते हैं सुबह का ये नजारा, विजिबिलिटी बेहद कम है। 4 दिन हालांकि राहत और उसके बाद एक बार फिर यहां पर पलटी मौसम ने मारी है और कोहरे की चादर में ढका हुआ शहर नजर आया है। और इसी खबर के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।